नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं फिट भारत प्रोग्राम लेकर, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि अगर आप फिट रखेंगे अपने आप को तो आप कई बीमारियों से दूर रह पाएंगे। और आज हम आपको ऐसे योग बताने वाले हैं जिसके जरिए आप अपने आप को फिट रख सकते हैं घर बैठे बैठे, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, निष्कर्ष। निष्कर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। निष्कर्ष आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आजकल घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे या फिर आप चेयर पर बैठे बैठे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और अगर मोटापा कम करना है तो जिम जाते हैं या फिर कोई अन्य ऐसे उपाय करते हैं जिससे कभी कभार आपको नुकसान भी हो जाता है, लेकिन योग ऐसी पद्धति है जिसके जरिए आपको ना तो कोई नुकसान होगा और आसानी से आप अपने मोटापे को कम कर पाएंगे। निष्कर्ष, क्या वाकई ऐसा है और कौन सा योग आप हमारे दर्शकों को आज बताने वाले हैं, जरा बताइएगा। जी हर जी, आप कुछ व्यायाम ऐसे हैं और योग ऐसे हैं जिसके कारण जिसके द्वारा आप अपने आप वजन कम कर सकते हैं, पूरे शरीर का और पूरे अंग का, एक अंग का भी और पूरे शरीर का भी आप वजन कम कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे व्यायामों की बात करेंगे जिसे आप जितना ज़्यादा करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका वजन कम होता रहेगा। तो निष्कर्ष, शुरुआत करते हैं उस योग को, अपने दर्शकों को बताते हैं जिस योग के जरिए मोटापे को आसानी से कम किया जा सकता है। जी चलिए हर जी, हम करते हैं अपने पेट से परेशान लोगों के लिए एक व्यायाम जो आपके पूरे शरीर, बाजुओं, पैरों, हिप के लिए और आपके पेट के लिए बहुत लाभकारी है। तो दोनों हाथों को अपने इस तरीके से रखेंगे, आपकी जिम की जिम और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना और पैरों को ऊपर की ओर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। आप इसे 20-20 के पास सेट करिए, धीरे धीरे दिन के अनुसार बढ़ाते रहिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना जल्दी आप अपने शरीर में परिवर्तन पाएंगे और अपने वजन को घटता हुआ पाएंगे। बिल्कुल निष्कर्ष, ये जो आपने योग बताया है ये क्या बैली फैट को कम करता है? जी सर, ये आपके बैली फैट से लेकर आपके बाजुओं को और आपकी लोअर थाई, इनर थाई और लोअर थाई को ख़त्म करता है। तो आप अगर अपने बैली फैट को कम करना चाहते हैं तो इस योग को करिए, आसान तरीका है। निष्कर्ष ने जिस तरीके से बताया है, क्योंकि ये योग मैंने भी किया, बहुत आसान लगा, और इस आसान तरीके से आप अपने पूरी बैली फैट को और इस थाई को बिल्कुल कम कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होना तय है। तो दूसरा योग भी अपने दर्शकों को बताते हैं निष्कर्ष, वो योग क्या है जिसके जरिए हम वजन को भी कम कर सकते हैं और मोटापे को भी कम कर सकते हैं? ओके, तो अब हम बात करते हैं आपका साइड फैट, जो आपके पूरे वजन में आपके चाल चलन को बदल देता है। इसके आपकी चाल खराब लगने लगती है और आपको अपने पड़ोस में, अपने समाज में जाने में शर्म आने लगती है। आजकल महिलाओं में साइड फैट की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, आपके खान पान के कारण आपका वजन बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अब हम बात करने वाले ऐसे व्यायाम की जो आपके साइड फैट और आपके बाजुओं के वजन को कम करने में बहुत ही लाभदायक है। अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ऐसे रखेंगे और अपने पैरों को साइड में उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। धीरे से आराम से खड़े हो जाएंगे। आपको ये व्यायाम अपनी क्षमता अनुसार करना है और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आपको इसकी गिनतियाँ बढ़ानी है। जैसे अगर आपने पहले दिन 20 करे तो अगले दिन 5 या 10 डेली बढ़ाने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बैठकर और लेटकर करने वाले व्यायाम जो आपके वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी है। अब हम बात करेंगे आपके पैरों से है परेशान और लोअर बैक, आपका पेट लटकता है, तो इसके वजन घटाने के लिए हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यायाम जो आपके पैरों के वजन के लिए और लोअर पेट के लिए, निचले पेट के लिए वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे इस प्रकार और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए साइड बाय साइड टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। इस आसन को करते हुए ध्यान रखना है कि आपको पीछे लेटना नहीं है, अपनी कमर को सीधा रखना है और दोनों पैरों को घुटने को सीधा रखकर पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। देखिए पसीना भी आ गया।
ठीक है, तो अब हम बात करते चौथे आसन की, चौथी एक्सरसाइज जो महिलाओं के लिए PCOD, PCOS और पेट से ग्रसित जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे कहते हैं आम भाषा में चक्की चलाना, ये कि या चक्की चलान आसन। दोनों पैरों को बाहर की ओर खोलेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को आगे की ओर खींचता हुआ एक गोलाकार स्थिति में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप उल्टी दिशा में इसी प्रकार उल्टी दिशा में घुमाएंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, last 1, relax। ये आपके कमर के दर्द में बहुत ही लाभकारी है। और जो महिलाएं डिलीवरी के बाद जिनके कमर में दर्द रहता है और पेट भारी भार की ओर निकलता है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन के द्वारा महिलाएं डिलीवरी होती है जिनकी, वो 6 से 7 महीने बाद इसे करें, शुरू में ना करें। अब हम बात करते हैं पांचवी एक्सरसाइज जो आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है और आपको पेट से रिलेटेड, पेट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनके में भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप पैर उठाने में सक्षम नहीं है तो अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे इस प्रकार रखेंगे और अपने पैरों को एक एक बार ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, धीरे से इसी प्रकार करते हुए अपने शवासन करेंगे। आखिरी में दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ, शरीर को ढीला छोड़ते हुए लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ेंगे। अपनी श्वास को धीमा करते हुए सामान्य गति में लाएंगे और लेफ्ट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे। तो आज हमने बात करी ऐसे 5 व्यायाम की जो आपके वजन घटाने में बहुत ही लाभकारी है और आपके कमर के दर्द के साथ साथ अन्य रोगों में भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। ये वो आसन है जिसके जरिए आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, यानी मोटापे से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल कैसा है और उससे आपका मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन चक्की आसन और कोई अन्य आसन जैसे बताई हैं निष्कर्ष ने, उस तरीके से आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। निष्कर्ष, अगर चक्की आसन की बात करूं या अन्य आसन की बात करूं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि वैसे में नहीं करना चाहिए और उन चीज़ों में करना चाहिए? ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी कमर में, लोअर बैक में किसी भी प्रकार की चोट है या आपका पेट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हुआ है हाल ही में, तो आपको ये व्यायाम, ये एक्सरसाइज बहुत ही धीमा गति से और सावधानी पूर्वक करनी है। सबसे पहले किसी अच्छे योग गुरु या डॉक्टर से सलाह लेने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और चक्की चलान आसन की बात करें तो लोगों में, काफ़ी लोगों में ये सोच रहती है कि हमें ये साइटिका में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप साइटिका में कर सकते हैं। साइटिका में बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज है जो आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया निष्कर्ष इन चीज़ों को बताने के लिए। बहुत आसान तरीका है, लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि इस योग को करिए ज़रूर, लेकिन योग गुरु जब साथ में रहें तो इस योग को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या फिर जब फिट भारत प्रोग्राम आपके सामने इस योग को लेकर आया है तो आप यूट्यूब पे जाइए, फिट भारत प्रोग्राम पर क्लिक करिए और योग गुरु हमारे साथ हैं ही निष्कर्ष, उनके इस योग को देखिए और अपने आप को फिट रखिए, यानी फिट भारत प्रोग्राम के जरिए आप मोटापे को दूर कर सकते हैं। फिलहाल निष्कर्ष, फिर हम अपने दर्शकों के सामने हाजिर होंगे और कुछ और बीमारियों से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं योग के जरिए, और योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल मुझे और निष्कर्ष को इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।